आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर प्रदेश को बंधक बनाने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब और दिल्ली से हरियाणा को पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को रोकना पूरी तरह से असंवैधानिक है और हाईकोर्ट ने भी इसे गलत बताया है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर इन 3 काले कानून को वापस लिया था और किसानों को एमएसपी की गारंटी दी थी। वह वायदा याद दिलाने के लिए किसान दिल्ली जा रहे हैं, जो कि उनकी जायज मांग है। सुशील गुप्ता रोहतक आए हुए थे और यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल दिल्ली और पंजाब बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने कर रखा है, वह लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज विशेष स्थिति ये भी है कि हरियाणा को बीजेपी सरकार ने बंधक बना के रखा हुआ है, पंजाब की तरफ किसी को मूवमेंट अलाउड नहीं है, दिल्ली की तरफ मूवमेंट अलाउड नहीं है। लोगों के व्यापार ठप हो रहे हैं, लोगों के काम ठप हो रहे हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट भी कह रहा है कि आप ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, आवाजाही पे पाबंदी नहीं लगा सकते। और किसान को हरियाणा में प्रदर्शन करने के लिए भी नहीं आ रहे, किसान प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि जब आज से 3 साल पहले 3 काले कानूनों को आपने माफ़ी मांग के वापस लिया, 750 किसानों की शहादत देने के बाद वर्षों सड़क के ऊपर आंधी बरसात तूफान सहने के बाद, और आपने तब वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा, वो कानून 3 साल बीत के संसद का सत्र चल रहा, आपने आज तक उसका नाम नहीं लिया। आप वो वायदा पूरा करो। सरकार के मंत्री जा रहे हैं, मीटिंग तो कर रहे हैं, परंतु एमएसपी की बात नहीं कर रहे। वो एमएसपी उनको मिलनी चाहिए, जायज मांग है, जायज मांग का हम समर्थन करते हैं। आज पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ता जा रहा है, ये रास्ते बंद किए, हजारों बच्चे पेपर देने से छूट गए, उनका पेपर नहीं हो पाया। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, बहादुरगढ़ के अंदर चली, सांपला में चली, सोनीपत के अंदर चली, गन्नौर के अंदर चली, गोहाना के अंदर चली, सब जगह हर रोज लूटपाट हो रही है, क्योंकि बेरोजगार युवक या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है या नशे पे। नशा बढ़ता बढ़ता हरियाणा के हर जिले के अंदर फैला है, कारण बेरोजगारी है। बेरोजगार बच्चा अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के आज अवैध तरीके से विदेश भी जा रहा है, बॉर्डर पे वहाँ भी गोली खा रहा है। ये सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। ये जितनी सुरक्षा किसानों के लिए लगाई है, अगर ये अपराध रोकने के लिए लगा देते तो हरियाणा के लोग सुखी हो जाते। आज यही कारण है कि हरियाणा में नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। जब बढ़ता हुआ अपराध है, इसके कारण नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हरियाणा की स्थिति को सुधारने के लिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को कैसे जड़ से उखाड़ के फेंका जाए, उसमें कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, किस प्रकार से हम ये जो किसानों के ऊपर जुलम हो रहा है, इन किसानों की मदद कर सकते हैं।